Hello dear children, welcome to my EVS video class for 30 June. I'm sure children, you all are hale and hearty, you all are in good health, and at the same time you all are taking good care of yourselves. Do follow all the safety precautions, follow all the COVID protocols, stay home and stay safe children. And at the same time, I do hope that you all are watching the videos regularly and at the same time completing your work also in book as well as in notebook. Okay children, I suggest you, and almost every second day I keep telling you to watch the videos on a regular basis, regularly, so that you do not lag behind. आपका जो भी काम है सारा काम टाइम पे कंप्लीट हो जाए, पीछे न रह जाओ आप. और सबसे बड़ी चीज है कि वीडियोस जो हम एक्सप्लेन करते हैं, वीडियोस इज लाइक योर क्लासरूम टीचिंग ओनली. ठीक है, तो जो आपकी क्लासरूम टीचिंग है, जैसे क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम वीडियो बनाते हैं. ओके, बस फर्क इतना है कि क्लासरूम में आप हमारे सामने बैठे रहते हो और वीडियोज में भी आप हमारे सामने हो, बट विजिबल शायद आप हमें नहीं हो. ठीक है ना, सो दैट इज द ओनली डिफरेंस. सो चिल्ड्रन, डू वॉच द वीडियोज रेगुलरली, वीडियोज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. अभी मैं ईवीएससी क्लास में बोल रही हूँ, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ईवीएस का वीडियो, वीडियोज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, कंप्यूटर, जीके, वीडियोज ऑफ ऑल द सिक्स सब्जेक्ट्स यू मस्ट वॉच डेली. ठीक है, सो टू स्टार्ट द क्लास विथ, we have started chapter number 6, which is my school. Okay, chapter number 6, that is my school. School से पहले school आना start करते हो, उससे पहले आप घर पे रहते हो. घर पे किसके साथ रहते हो? Family members के साथ में रहते हो. तो हमने family members के बारे में भी पढ़ लिया कि family में कौन कौन से members होते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स कैसी फैमिली है, बड़ी फैमिली है, छोटी फैमिली है, वो भी हमने पढ़ा. देन उसके बाद हमने अपने घर के बारे में पढ़ा कि व्हाई डू वी नीड अ हाउस, हाउस में कितने पार्ट्स, मतलब कौन कौन से रूम्स हो सकते हैं, कौन कौन से रूम्स होते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द हाउसेज हैव ऑल दीज रूम्स, ऐसा जरूरी नहीं है. दीज आर द रूम्स विच आर देयर इन अ हाउस. ठीक है, किसी में कोई रूम हो सकता है, नहीं हो सकता है, बट बेडरूम, किचन, बाथरूम, ये सब, ये ड्रॉइंग रूम, दीज आर द रूम्स विच आर डेफिनेटली देयर इन ऑल द हाउसेस. ओके, हाउस के बाद फिर हमने हाउस में अगर हम पेट्स रखते हैं तो पेट्स के बारे में भी पढ़ लिया. मतलब अपने हाउस के बारे में पढ़ा हमने, अपने घर के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पेट्स के लिए अगर जो हाउस बनाते हैं हमने उसके बारे में भी पढ़ा. ठीक है, पेट्स के लिए जो हाउस बनाते हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया. नाउ घर से आप फिर सबसे पहले बाहर कहीं ऐसे तो घूमने पेरेंट्स के साथ जाते हो, बट देन व्हेन यू स्टार्ट स्कूलिंग. ठीक है, तो स्कूल जाते हो, पहले प्ले ग्रुप में जाते हो. प्ले स्कूल जो होते हैं दे आर स्मॉल. ठीक है, कलरफुल क्लासेस होती हैं, ब्राइट क्लासेस होती हैं. नर्सरी में जाते हो, नर्सरी स्कूल्स में जाते हो, एंड जब क्लास वन में जैसे अब आप आते हो तो देन यू स्टार्ट गोइंग टू अ फॉर्मल स्कूल. जो फॉर्मल एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, तब स्कूल जैसे जाना. तो नर्सरी तक एलकेजी, यूकेजी, अपर केजी जो आपकी क्लासेस हैं, और जब स्कूल आते हो तो थोड़ा डिफरेंस हो जाता है. सो नाउ वी हैव स्टार्टेड विथ द चैप्टर माई स्कूल. सो इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए स्कूल. जैसे हाउस के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा, सिमिलरली इन ए स्कूल ऑल्सो देर आर डिफरेंट पार्ट्स. तो वी विल टॉक अबाउट दोज पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सबका क्या क्या यूज है. फिर प्रिंसिपल कौन है, हु इज द प्रिंसिपल, देन व्हाट ऑल डू वी डू इन स्कूल. ओके, सो दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ये मैंने बता दिए थे. फिर ये पेज नंबर 34, चैप्टर नंबर 6. ओके, पेज नंबर इज 34 and chapter number 6, this page. Okay, so on this page
देयर इज अ पिक्चर, इस पिक्चर को देख करके वी कैन मेक आउट दैट दिस इज द सीन ऑफ अ प्ले ग्राउंड बिकॉज चिल्ड्रन आर प्लेइंग, टू चिल्ड्रन आर प्लेइंग बैडमिंटन, वन बॉय हैज अ बैट इन हिज हैंड, ही इज हिटिंग अ बॉल, देन टू चिल्ड्रन आर रनिंग एंड ऑल ऑफ देम आर वेयरिंग द सेम काइंड ऑफ क्लोथ्स. सो वी कैन मेक आउट दैट इट इज द सीन ऑफ अ स्कूल, दिस इज दिस सीम्स टू बी द प्ले ग्राउंड एंड जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है दैट इज अ स्कूल एंड उस पर क्लियरली लिखा है स्कूल, सो वी नो दैट इट इज अ स्कूल. ओके, सो मैंने इस पेज में फर्स्ट एंड सेकेंड पैराग्राफ जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहां से हम स्टार्ट करेंगे. ओके, ठीक है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. नाउ एवरी चाइल्ड इन अ स्कूल, एवरी चाइल्ड इन अ स्कूल इज कॉल्ड अ स्टूडेंट. सो एवरी चाइल्ड इन अ स्कूल इज कॉल्ड अ स्टूडेंट. ठीक है चिल्ड्रन, दिस इज पेज नंबर 35. ओके, एवरी ई वी ई आर वाई, एवरी चाइल्ड इन अ एस सी एच डबल ओ एल स्कूल इज सी ए एल एल ई डी कॉल्ड अ एस टी यू डी ई एन टी स्टूडेंट. ऑल एस टी यू डी ई एन टी एस स्टूडेंट्स वेयर द डब्ल्यू ई ए आर वेयर द एस पी ई सी आई ए एल स्पेशल टाइप ऑफ स्कूल ड्रेस known as a uniform different d I double f e r e n t different s c h o o l s schools have d I f f e r e n t different schools have different uniforms for their students. Okay, now every child in a school is called a student. Every मतलब हर एक, ठीक है, every का मतलब होता है हर एक. So स्कूल में एवरी चाइल्ड इन अ स्कूल मतलब स्कूल में हर एक बच्चा, उसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड अ स्टूडेंट, मतलब हर एक बच्चे को स्टूडेंट कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्यार्थी. ठीक है, एंड ऑल स्टूडेंट्स वेयर द स्पेशल टाइप ऑफ स्कूल ड्रेस नोन एज अ यूनिफॉर्म. वेयर डब्ल्यू ई ए आर वेयर का मतलब है पहनना. All students wear the special type of school dress. मतलब जितने students हैं वो एक खास तरह की school dress पहनते हैं जिसको कि uniform कहते हैं. ये जो word है uniform, uniform word का मतलब भी है एक सा. ठीक है, कभी कोई चीज अगर एक सी होती है बिल्कुल तो हम कहते हैं uniform. Suppose in a locality किसी area में सारे घर एक से हैं. ठीक है, किसी एरिया में सारे घर अगर एक से हैं तो हम कहते हैं ऑल द हाउसेज आर यूनिफॉर्म. तो यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब भी एक सा होता है. एंड सिंस इन अ स्कूल ऑल द चिल्ड्रन वेयर अ स्पेशल टाइप ऑफ स्कूल ड्रेस. अभी जब आप स्कूल जाते हो, वेदर यू गो टू अ प्ले स्कूल या आप एपीपीएस में आर्मी प्री प्राइमरी में जाते होगे या फॉर दैट मैटर किसी और प्राइमरी स्कूल में जाते होगे, तो सारे बच्चे आप लोग एक से ही यूनिफॉर्म पहनते होगे. ठीक है, स्कूल में सब बच्चे एक से ही यूनिफॉर्म पहनते हैं, एक से ही ड्रेस, एक से ही कपड़े पहनते हैं. दैट इज बिकॉज इट इज इजी. एक तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं. सबसे पहला रीजन तो ये है कि व्हेन यू आर कमिंग टू स्कूल,
ठीक है, राइट फ्रॉम क्लास 1 to क्लास 12 जितने स्कूल में बच्चे हैं सबकी ड्रेस बिल्कुल एक सी होती है, एक से कपड़े पहनते हैं। इसका रीजन ये है, सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि सिंस यू आर कमिंग टू अ स्कूल, एक स्कूल में सारे बच्चे आ रहे हैं तो सारे बच्चे एक से दिखने चाहिए, ठीक है। सब अगर एक तरह के कपड़े पहनेंगे तो बहुत इजीली उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये सारे बच्चे, ऑल दीज चिल्ड्रन बिलोंग टू वन स्कूल ओनली, बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर स्कूल, मतलब ये सारे बच्चे इस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। एवरी चाइल्ड इन अ स्कूल इज कॉल्ड अ स्टूडेंट। आप चाहे क्लास 1 में पढ़ते हो चाहे क्लास 12 में हो, स्कूल में जो भी बच्चा पढ़ता है हर एक बच्चे को स्टूडेंट कहते हैं, ठीक है। तो स्कूल में सारे स्टूडेंट जो है वो सेम तरह के कपड़े पहनते हैं, ये भी होता है रीजन। उसके बाद एक ये रीजन ये भी है कि अगर सब अपने अपने कपड़े पहन के आएंगे, अपने अपने घर के कपड़े पहन के आएंगे, तो स्कूल में एक जो स्कूल में जो यूनिफॉर्मिटी, मतलब कि सारे बच्चे एक से दिखने चाहिए, वो नहीं दिखेंगे। फिर हो सकता है किसी को किसी की ड्रेस पसंद आ जाए, किसी को किसी की ड्रेस पसंद आ जाए, फिर घर आकर के पेरेंट्स से जिद करोगे कि नहीं उसकी ड्रेस तो बहुत अच्छी थी, राहुल की ड्रेस बहुत अच्छी थी, मुझे तो वैसी ही ड्रेस चाहिए, ठीक है। कोई बोलेगा कि मम्मी मम्मी डॉली की ड्रेस तो बहुत सुंदर थी, मुझे वैसी ड्रेस चाहिए। तो इसीलिए स्कूल में हर बच्चे, सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स एक सी ही ड्रेस पहनते हैं, एक से ही कपड़े पहनते हैं, स्पेशल कपड़े, स्पेशल टाइप की ड्रेस, जिसको कि यूनिफॉर्म कहते हैं। यूनिफॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि यूनिफॉर्म वर्ड का ही मतलब है एक सा, ठीक है। तो सिंस सबकी ड्रेस एक सी होती है, सब एक से स्पेशल कपड़े पहनते हैं, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म। डिफरेंट स्कूल्स हैव डिफरेंट यूनिफॉर्म्स फॉर देयर स्टूडेंट्स। डिफरेंट मतलब अलग अलग, तो अलग अलग जो स्कूल है सबके अपने अपने स्टूडेंट के लिए अलग अलग यूनिफॉर्म है, ठीक है। सारे स्कूल की यूनिफॉर्म भी सेम नहीं होती है, क्योंकि अगर सेम होगी तो फिर आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होगा कि कौन सा स्टूडेंट किस स्कूल का है। तो हर एक स्कूल की अपने अलग अलग यूनिफॉर्म है। एवरी वन इज फ्री, जिसकी जैसी मर्जी होती है वो अपने स्कूल की वैसी यूनिफॉर्म बनाता है। बट ऑल द स्कूल्स हैव सेम, ऑल द स्कूल्स हैव अ यूनिफॉर्म, ठीक है। वो चाहे कैसे भी यूनिफॉर्म हो, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन हो, बट ऑल द स्कूल्स हैव अ यूनिफॉर्म, ओके। नाउ ट्राई दिस, ओके, नो योर स्कूल, ट्राई दिस एज आई टोल्ड यू। ट्राई दिस जो होता है, ट्राई दिस में जो क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज टू मेक यू थिंक, ठीक है। वो होते हैं कि आप सोचो उनके बारे में, ठीक है। उसके आंसर आपको डायरेक्टली लेसन में नहीं मिलेगा, तो यू थिंक अबाउट दोस, ओके। तो इसको मैं इरेज कर रही हूं एंड देन वी विल डू ट्राई दिस, ओके। TRY, ट्राई दिस, ट्राई दिस का मतलब है कि इसे कोशिश करो, ट्राई मीन्स कोशिश करना, तो ट्राई दिस मतलब, दिस मतलब ये जो क्वेश्चन है इनको आप कोशिश करो। दिस इज पेज नंबर 35, ओके। ट्राई दिस, नो योर स्कूल, SCHOOL, ठीक है, नो योर स्कूल। नाउ चिल्ड्रन, अभी राइट नाउ इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो अबाउट योर स्कूल, बिकॉज अभी तक आपने स्कूल आना स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। यू हैव नॉट बीन टू योर स्कूल, यू हैव नॉट सीन द स्कूल, अभी तक स्कूल किसी ने नहीं देखा है, तो अभी तो और जरूरत है कि आप अपने स्कूल के बारे में जानो, ठीक है। क्योंकि अभी पता नहीं आगे कब तक आप लोग के लिए स्कूल खोलेंगे, आप लोग कब स्कूल आना स्टार्ट करोगे, तो अभी इसलिए हमें और जरूरत है कि हम अपने स्कूल के बारे में जाने, ओके। तो नाउ फर्स्ट इज नेम ऑफ माय स्कूल, नेम ऑफ माय स्कूल। नाउ चिल्ड्रन, नेम ऑफ माय स्कूल, ऑल ऑफ यू स्टडी इन द सेम स्कूल। ये जो आंसर्स लिख रहे हैं ये आपको अपनी बुक में यहां पे लिखते जाना है, ठीक है। पेज नंबर 35 पे यू हैव टू राइट द आंसर्स हियर, ठीक है। यहां पे आंसर्स आपको लिखना है। सो नेम ऑफ माय स्कूल, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, ये तो सबको पता होगा। द नेम ऑफ योर स्कूल इज आर्मी पब्लिक स्कूल, आर्मी
पब्लिक SCHOOL द नेम ऑफ योर स्कूल इज आर्मी पब्लिक स्कूल ओके देन नेम ऑफ माई प्रिंसिपल सिंस यू ऑल आर स्टडिंग इन द सेम स्कूल ठीक है तो सारे बच्चों के लिए ये जितने क्वेश्चंस हैं ये सबके लिए सेम होंगे इसके सबके आंसर सेम होंगे दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग ओके ये आप सबके लिए सेम होगा क्योंकि सारे एक ही स्कूल में पढ़ते हो एक क्लास में पढ़ते हो सबके लिए प्रिंसिपल सेम है सबके लिए क्लास टीचर सेम है ठीक है सो व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल आर्मी पब्लिक स्कूल देन सेकेंड इज नेम ऑफ माई प्रिंसिपल NAME नेम ऑफ माई PRINCIPAL नेम ऑफ माई प्रिंसिपल आपकी प्रिंसिपल का नाम क्या है प्रिंसिपल मैम है आपकी ठीक है प्रिंसिपल मैम का नाम है मिसेज MRS मिसेज ROSAMMA रोजम्मा KURIAN ओके दिस इज द नेम ऑफ योर प्रिंसिपल आपकी जो प्रिंसिपल मैम है मतलब हम सबकी जो प्रिंसिपल मैम है सिर्फ आपकी नहीं वो हमारे लिए भी प्रिंसिपल है तो उनका नाम है मिसेज रोजम्मा कुरियन ठीक है उनको हम लोग कुरियन मैम बोलते हैं ओके देन नेम ऑफ माई हेड मिस्ट्रेस HEADMISTRESS हेड मिस्ट्रेस और HEADMASTER हेड मास्टर ना चिल्ड्रन जैसे प्रिंसिपल तो होती हैं या प्रिंसिपल मैम है या प्रिंसिपल सर है वो पूरे स्कूल के लिए होते हैं ओके बट बहुत बार स्कूल्स में क्या होता है कि प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर तो हैं फॉर प्राइमरी क्लासेस लाइक जैसे 1 से लेके जो 5 तक की क्लासेस होती हैं जिनको हम लोग प्राइमरी क्लासेस बोलते हैं उनके लिए एक अलग हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि प्रिंसिपल मैम के पास या प्रिंसिपल सर के पास बहुत सारे काम होते हैं उनको पूरे स्कूल की फंक्शनिंग देखनी होती है तो 1 से 5 जो प्राइमरी सेक्शन होते हैं जो 1 से 5 क्लासेस होते हैं उनके लिए एक अलग हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस होती है जिससे कि वो लोग सिर्फ 1 से 5 तक के क्लासेस को ही लुक आफ्टर करते हैं क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो जिससे अच्छे से उनकी केयर हो सके तो राइट नाउ वी डू नॉट हैव एनी हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस ठीक है हमारे स्कूल में कोई हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस नहीं है प्रिंसिपल मैम इज देयर ठीक है हमारे स्कूल में सिर्फ प्रिंसिपल मैम है और हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस कोई नहीं है तो सिंस कोई नहीं है तो हम इसके आगे लाइन जो बनी है इसमें क्या बनाएंगे डैश बना देंगे ऐसे करके ठीक है ये तो हमने फिलअप किया आर्मी पब्लिक स्कूल प्रिंसिपल का नाम एंड यहाँ पे हम डैश बना देंगे बिकॉज देयर इज नो हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस इन द स्कूल ओके देन नेम ऑफ माई क्लास टीचर नेम ऑफ माई क्लास TEACHER नेम ऑफ माई क्लास टीचर आई एम श्योर आप सबको अपनी क्लास टीचर का नाम तो पता ही होगा आई एम श्योर सबको मालूम है ना क्लास टीचर का नाम यस योर क्लास टीचर इज मिसेज रंजना धर दैट इज माई सेल्फ आई एम योर क्लास टीचर एंड आई टेक इंग्लिश EVSL मैथ्स डे 1 में मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था दैट आई एम रंजना धर एंड आई एम योर क्लास टीचर So, name of my class teacher, Mrs. RANJANA, Ranjana, DHAR, Dhar. Okay? Name of my class teacher, because name of my school, name of my principal, name of my headmistress or headmaster, name of my class teacher. My means because सबकी book अपनी अलग अलग book है. Everyone has got their own book. ठीक है सबकी इंडिविजुअल सबकी अपनी अपनी बुक है तो आप अपनी अपनी बुक में लिखोगे आंसर दैट इज व्हाई इट इज माय बट सिंस द आंसर्स आर सेम फॉर एवरीवन ऑल ऑफ यू स्टडी इन आर्मी पब्लिक स्कूल तो सबके लिए आंसर क्या है नेम ऑफ माय स्कूल आर्मी पब्लिक स्कूल आवर स्कूल ने लिखा है बिकॉज दिस इज फॉर ईच इंडिविजुअल बुक ये क्वेश्चन जो है वो हर एक इंडिविजुअल बुक के लिए है दैट इज व्हाई इट इज नेम ऑफ माय ओके So for everyone, all of you, name of my school, Army Public School.
name of my principal, Mrs. Rosamma Kurian. Name of my headmistress, headmaster, since there is no one, कोई headmistress या headmaster नहीं है, तो हमने यहाँ पे dash बना दिया है. इसका मतलब है कि इसका कोई answer नहीं इस question का. Then name of my class teacher, Mrs. Ranjana Adhar. Okay? Now rooms and areas of a school. On this page, children, you can see certain pictures. ठीक है? The names are not mentioned, but I am sure you can make out. ठीक है? आप ये बता सकते हो कि ये कहाँ कहाँ की pictures है. सबसे पहले तो first and foremost, in between we can see the building of a school. बिल्डिंग कैसी भी हो सकती है, यहाँ वाली जो बिल्डिंग है इट इज डिफरेंट, यहाँ वाली जो बिल्डिंग है इट इज डिफरेंट. स्कूल का डिजाइन. नाउ अगेन चिल्ड्रेन, दिस इज अ पैटर्न. ठीक है, जैसे आपने शेप्स एंड पैटर्न्स में पढ़ा, तो ये क्या है, ऐसा पैटर्न है स्कूल का. ठीक है ना, बीच में ऐसी रूफ है, देन दोनों साइड में इतने इतने रूम्स हैं, फिर उसके पीछे इतने रूम्स हैं. सो दिस इज ऑल्सो द पैटर्न. ये है, दिस इज ऑल्सो द पैटर्न. यू कैन सी बीच में मेन बिल्डिंग है, एंट्रेंस है. ऑन बोथ द साइड्स थोड़ी उससे छोटी बिल्डिंग दिख रही है. देर आर टू विंडोज, जो भी ग्लास विंडोज है, जो भी है. सो दिस इज ऑल्सो अ पैटर्न. ठीक है, सो फर्स्ट बीच में हम क्या देख रहे हैं, देर इज अ स्कूल. एक स्कूल की बिल्डिंग है, इट इज रिटन वेरी क्लियरली स्कूल. ओके, ऑन बोथ द साइड्स क्लासरूम्स में भी देर जो कुछ भी होगा. Now these are not the only areas of a school. ये कुछ थोड़े से areas हैं. ठीक है, सबसे पहले इधर आप क्या देख रहे हो, here in this picture we can see a playground. We can see the playground because यहाँ पे क्या एक तो boundary wall हमें दिख रही है. Then we can see a slide, जो ऐसे करके slide वाला झूला होता है, आप ऊपर जाकर के बैठते हो and then you slide. तो we can see a slide here. एक हम सीसॉ भी देख रहे हैं. सीसॉ होता है ना, एक साइड में नीचे बैठते हो, एक बच्चा ऊपर बैठता है, फिर जब ऊपर वाली साइड का बच्चा होता है ऐसे करके सीसॉ होता है ना, बीच में ऐसे है, ऐसे रहता है. ठीक है, वन चाइल्ड इज सिटिंग हियर एंड वन चाइल्ड इज सिटिंग हियर. फिर ये वाला जब बच्चा थोड़ा सा जोर लगाता है तो ये जब नीचे आ जाता है तो ये वाला ऊपर चला जाता है, फिर उधर वाला जोर लगा के नीचे आता है तो ये वाला ऊपर जाता है. तो ऐसे आप ऊपर नीचे होते हो, उसको हम क्या कहते हैं, सी सॉ. एक बार नीचे जाता है ऊपर आता है, नीचे जाता है ऊपर आता है. वी कैन सी अ स्लाइड, वी कैन सी अ सी सॉ. सो दैट मीन्स दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विंग्स. तो ये किसकी पिक्चर दिख रही है, ये पिक्चर प्लेग्राउंड की है. स्कूल में प्लेग्राउंड होता है, प्लेग्राउंड में स्विंग्स होते हैं. ठीक है, देन हियर कैन यू आइडेंटिफाई दिस प्लेस, कि इस तरह से नेट कहाँ लगी रहती है, इस तरह की नेट कहाँ लगी रहती है, इस तरह की नेट होती है गोल के लिए. ठीक है, जिन गेम्स में गोल होता है, जैसे फुटबॉल है, हॉकी है, ये ऐसे नेट लगी रहती है ना गोल बचाने के लिए. फुटबॉल, आई एम श्योर फुटबॉल भी देखा होगा, हॉकी भी देखा होगा, जब फुटबॉल को किक करते हैं तो अपोजिट टीम जो है वो गोल करने की कोशिश करती है एंड जो गोलकीपर होता है वो गोल को सेव करता है. इन द सेम मैनर ये फुटबॉल और हॉकी दोनों में होता है. तो इस तरह की जो नेट है, दिस काइंड ऑफ नेट इज देयर इन हॉकी एंड फुटबॉल. ठीक है, जहां पे गोल होता है. सो दिस मे बी अ हॉकी ग्राउंड और दिस मे बी अ फुटबॉल ग्राउंड. दैट मीन्स अगेन दिस इज अ प्लेग्राउंड. या तो हॉकी खेलते होंगे यहाँ पे या फुटबॉल खेलते होंगे. देन यू कैन सी अ स्विमिंग पूल. दिस सीम्स टू बी अ वेरी गुड स्कूल. बहुत अच्छा सा स्कूल है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग गेम्स के लिए अलग अलग ग्राउंड है. दिस इज अ स्विमिंग पूल. बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे स्विमिंग पूल होता है और बच्चे स्विमिंग सीखते हैं, स्विमिंग करते हैं. सो दिस इज द स्विमिंग पूल. स्विमिंग पूल में ये हैंडल देख रहे हो ना, इस हैंडल को पकड़ के जैसे हम पानी में नीचे उतरते हैं. देन दिस ग्राउंड, ये वाला ग्राउंड आपको कौन सा दिख रहा है? दिस ग्राउंड इज बास्केटबॉल ग्राउंड. Because we can see two baskets on each side. ठीक है, जो दोनों there are two poles and we can see baskets on each pole. So that means this is a basketball court. Basketball भी देखे ना, हाथ से ball को dribble करते करते ले जाकर के baskets करनी होती है. जो team ज्यादा basket करती है वो team winner होती है. So this is basketball court.
देन ये आप क्या देख रहे हो, स्क्वायर सा एरिया है और अंदर क्या है, सैंड है, ठीक है, सैंड पिट। बहुत सारे नर्सरी स्कूल्स में भी सैंड पिट होता है बिकॉज चिल्ड्रन लव टू प्ले इन सैंड। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट हैव प्लेड इन सैंड आपके अपने स्कूल में, जहां पे आप पहले प्री प्राइमरी में पढ़ते होगे, हो सकता है वहां पे सैंड हो, बट बहुत जगह सैंड पिट नहीं भी होते बिकॉज उससे बहुत गंदे हो जाते हैं बच्चे, वो शूज में, कपड़ों में, सब जगह बालू बालू भर जाती है, बालों में बालू आ जाता है, ठीक है। और मतलब खेलने के लिए ये सैंड पिट बना रखा है, या हो सकता है मिट्टी डाल करके, जैसे ये कबड्डी वगैरह खेलते हैं तो मिट्टी में खेलते होंगे कि जिससे चोट ना लगे। सो चिल्ड्रन दीज आर द डिफरेंट प्लेइंग एरियाज इन अ स्कूल, ठीक है। बहुत सारे स्कूल्स में सारे प्लेइंग एरियाज होते हैं, बहुत सारे स्कूल्स में सारे ये सारे प्लेइंग एरियाज नहीं भी होते हैं। इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स देर आर मे बी वन और टू कॉमन प्ले ग्राउंड, ठीक है, प्ले ग्राउंड। और दीज आर सम स्पेसिफिक गेम्स जिसके लिए अलग अलग एरिया होना जरूरी है। बास्केटबॉल तभी खेल सकते हैं जब बास्केटबॉल के लिए बास्केट हो, फुटबॉल या हॉकी तभी खेल सकते हैं जब गोल पोस्ट हो, जहां पे गोल करने से गोल बचे, ठीक है। तो फॉर सम रीजन, फॉर सम गेम्स, फॉर सम स्पोर्ट्स अलग अलग स्पेसिफिक एरिया होना जरूरी है। स्विमिंग भी कब कर सकते हैं, जबकि स्विमिंग पूल हो, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट प्लेइंग एरियाज इन अ स्कूल, ठीक है। स्कूल में जैसे प्ले ग्राउंड होते हैं उसके अलावा ये प्लेइंग एरियाज हो सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज व्हाट एल्स आर देयर, आई विल शो यू सम अदर पिक्चर्स चिल्ड्रेन, ओके। मैं आप लोग को थोड़ी दूसरी पिक्चर्स दिखाऊंगी, नॉट फ्रॉम योर बुक, कुछ पिक्चर्स मैं दिखाऊंगी कि स्कूल में और कौन कौन से एरियाज होते हैं। अभी आपकी बुक के भी मैं दिखाऊंगी, बट आई विल शो यू। अच्छा ओके, फर्स्ट लेट अस सी द पिक्चर्स विच आर देयर इन आवर बुक। नाउ टर्न द पेज चिल्ड्रन, पेज नंबर 36, ओके, पेज नंबर 36। दीज आर द डिफरेंट प्लेइंग एरियाज इन अ स्कूल, ओके। देन पेज नंबर 36 यू कैन सी सम डिफरेंट एरियाज। अभी क्या क्या होते हैं स्कूल में, फॉर ईच क्लास देयर हैज टू बी अ क्लासरूम, हर एक क्लास के लिए एक क्लासरूम होना जरूरी है, जैसे क्लासेस के भी अलग अलग सेक्शंस होते हैं। एक्सक्यूज मी चिल्ड्रन, क्लास वन है, वन के सपोज देर आर टू सेक्शंस ए एंड बी, सो देर हैज टू बी टू क्लासरूम्स चाहिए। अभी टू क्लास सेक्शन, क्लास टू के टू सेक्शंस आर देयर, टू ए एंड टू बी, सो फॉर क्लास टू ऑल्सो देर हैज टू बी टू क्लासरूम्स। सपोज क्लास थ्री में देर आर थ्री सेक्शंस, तो थ्री सेक्शंस है तो क्लास थ्री के हमें थ्री रूम्स चाहिए, ठीक है। सिमिलरली हर एक क्लास के जितने सेक्शंस होंगे वी नीड दैट मेनी रूम्स, जितने सेक्शन होंगे हमको हर क्लास के लिए उतने रूम्स चाहिए होंगे ना, बच्चे नहीं तो कहाँ बैठेंगे। मॉर्निंग में व्हेन यू रीच स्कूल द फर्स्ट थिंग यू डू इज टू गो टू योर क्लासरूम। मॉर्निंग में जब आप स्कूल पहुंचते हो तो सबसे पहले आप कहाँ जाते हो, आप अपने क्लासरूम में जाते हो, ठीक है ना। क्लासरूम में आप जा करके फिर क्या करते हो, यू कीप योर बैग, जो भी आपकी डेजिग्नेटेड प्लेस है, जो भी आपकी प्लेस है, हर एक बच्चे की मैम ने प्लेस बनाई होती है, तो आप जाके अपना बैग रखते हो, अपनी बॉटल रखते हो। व्हेन द बेल रिंग्स योर क्लास टीचर कम्स, अटेंडेंस होती है, एंड उसके बाद अगर असेंबली ग्राउंड में जाना है तो यू मेक अ लाइन एंड गो टू द असेंबली ग्राउंड। गेम्स पीरियड में यू गो टू द प्ले ग्राउंड, म्यूजिक क्लास में हो सकता है म्यूजिक रूम में जाओ, डांस रूम में जाओ, वेयर एवर यू गो। लाइब्रेरी की क्लास है तो आप लाइब्रेरी में जा सकते हो, बट योर क्लास रूम रिमेन्स द सेम। आप हर रूम में जाते हो एंड देन यू कम बैक, म्यूजिक क्लास में, म्यूजिक रूम में गए एंड देन यू कम बैक, ठीक है। एंड अलग अलग सब्जेक्ट की टीचर्स जो है, हमने ये पढ़ा था ना कि डिफरेंट टीचर्स टीच डिफरेंट सब्जेक्ट, तो जो अलग अलग टीचर्स है वो क्लास रूम में आते हैं एंड दे टीच यू इन द सेम क्लास। यू डू नॉट गो टू डिफरेंट क्लासेस थ्रू आउट द डे, यू रिमेन इन द सेम क्लास। लाइब्रेरी पीरियड में मे बी लाइब्रेरी में गए एंड देन यू कम बैक टू योर ओन क्लास, ठीक है। तो मॉर्निंग में व्हेन यू रीच स्कूल द फर्स्ट थिंग यू डू इज यू गो टू योर क्लासरूम, सबसे पहले आप अपने क्लासरूम में जाते हो, ठीक है। तो टीचर्स टीच चिल्ड्रेन इन अ क्लासरूम इन अ स्कूल देयर आर मेनी क्लासरूम्स। जैसे मैंने बताया कि हर एक क्लास के जितने सेक्शंस होंगे, लाइक वन ए बी सी, टू ए बी सी, थ्री ए, थ्री बी, थ्री सी, सो देयर आर थ्री सेक्शंस, सो दैट मीन्स थ्री क्लासरूम्स आर रिक्वायर्ड,
3A के बच्चे अपनी क्लासरूम में जाके बैठेंगे, 3B के बच्चे अपने क्लासरूम में जाके बैठेंगे एंड 3C के बच्चे अपने क्लासरूम में जाके बैठेंगे। सो स्कूल में बहुत सारे क्लासरूम्स होते हैं। ओके चिल्ड्रन, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ अदर रूम्स ऑल्सो इन अ स्कूल, दैट वी विल डू टुमारो। ओके, सो टुडे आई विल स्टॉप हियर ओनली। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो चिल्ड्रन, एंड हैव अ गुड डे।